नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप आपका रूफटॉप गार्डन दोस्त एक बार फिर से आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों अभी तो अगस्त का महीना ख़त्म होने वाला है, तो मैं सोचा इस महीने की अपडेट क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर की जाए कि मेरे प्लांट्स की ग्रोथ कैसे चल रहा है अभी, और कुछ मैं नए प्लांट्स भी लगाए हूँ उसके बारे में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो दोस्तों पहले मैं आप लोगों को इस साइड से शुरू करता हूँ। यहाँ पर मेरे बहुत सारे मिर्च प्लांट लगा हुआ है, 6 मिर्च प्लांट है इधर और एक मिर्च प्लांट मेरे और भी है जो अलग जगह पे लगा हुआ है। आप देख सकते हो मिर्च बहुत सारे लगे हुए हैं, देखिए मेरा इसमें रिज़ल्ट बहुत ही अच्छे है और फ्लावरिंग भी बहुत ही अच्छे से हो रहा है और मिर्च भी बहुत ही अच्छे से लग रहा है। इसमें एक डिफरेंट वेराइटी के है जो ब्लैक कलर का है, इसमें भी कुछ दिन पहले बहुत सारे मिर्च था जो मैं अभी हार्वेस्ट कर लिया हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी भी एक मिर्च लगा हुआ है, ये देखिए पूरे ब्लैक कलर का है, और बाकी जो वैरायटी है वो ऑलमोस्ट एक ही वैरायटी है। और दोस्तों सभी प्लांट मेरे प्लास्टिक के कैरी बैग के अंदर ही लगा हुआ है। इस साइड पे मेरे कुछ एरेनियम प्लांट जो फ्लावरिंग भी कर रहा है, और फिर से एक सीड पॉट बनना चालू हो गया है, ये देखिए यहाँ पे, और यहाँ पर भी और एक सीड पॉट बन रहे हैं, ये देखिए, और इसमें अभी फ्लावरिंग भी शुरू हो चुका है। दोस्तों उसके पास मेरे है यूफोर्बिया मिली, इसके बारे में मैं आप लोगों के साथ शेयर किया था कुछ दिन पहले, बहुत सुंदर फ्लावरिंग कर रहा है। ज़्यादा पुराना प्लांट नहीं है मेरा, सिर्फ 3-4 महीना ही पुराना हुआ होगा और प्लांट का ग्रोथ देखिए बहुत अच्छा है। उसके पास मैं ये एक देख सकते हैं आप प्लूमेरिया का कटिंग है जो मैं कटिंग के थ्रू लगाया था, ये अभी लग चुका है और नए नए से लीव्स भी निकलना शुरू हो चुका है। तो उसके पास ही मेरे एक इलायची के प्लांट कार्डेमन जिसे कहा जाता है, देखिए इसका भी ग्रोथ चालू हो गया है, लेकिन यहाँ पे बहुत ही अनवांटेड प्लांट भी उग गया है, इसको मुझे सफ़ा करना है तो मैं सफ़ा कर लूँगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे मेरे जो प्रोमोग्रेनेट प्लांट था उसका ग्रोथ तो बहुत ही अच्छा चल रहा है और बहुत सारे फ्रूट्स भी बन गए हैं। दोस्तों कुछ दिन पहले 2 फ्रूट में हार्वेस्ट किया था तो टेस्ट भी बहुत ही अच्छा है, और ये प्लांट मेरे ज़्यादा पुराना नहीं है, सिर्फ 1 साल अभी तक हुआ नहीं है, और देखिए बहुत सारे देखिए इसमें फ्रूट लगा हुआ है, देख सकते हैं आप। इसके बगल में ही मेरे एलामंडा प्लांट, कुछ दिन पहले मैं इसके ऊपर वीडियो अपलोड किया था, देखिए बहुत सारे फ्लावरिंग तब भी हो रहा था और अभी भी देखिए बहुत सारे फ्लावर्स लगे हुए प्लांट पे। मेरे 2 है येलो वेराइटी के और दोनों ही बस्ते के अंदर लगा हुआ है, और इसके बगल में ही मेरे एक यहाँ पे देख सकते हो रेड वेराइटी, आप देखिए ये भी बहुत ही सुंदर से अभी फ्लावरिंग करना चालू हो गया है, और इसके साथ ही बड़ा हो रहा है, देखिए मेरे साइप्रस वाइन जिसे हम लोग तोरुलता कहते हैं वो भी फ्लावरिंग शुरू कर दिया है, देखिए बहुत सुंदर लगता है ये जब एक साथ फ्लावरिंग होता है। दोस्तों उसके बगल में ही देखिए मेरे एक हिबिस्कस के प्लांट है जो पूरे गर्मी में फ्लावरिंग नहीं किया और अभी देखिए इसमें फ्लावरिंग शुरू हुआ है। दोस्तों ये वेराइटी पूरे विंटर सीजन में फ्लावरिंग करता है, बहुत ही अच्छा फ्लावरिंग करता है, देखिए इसका फ्लावर का साइज़ भी देखिए बहुत ही बड़ा है, बिग साइज़ ये देखिए आप। और दोस्तों उसके बाद उसके बगल में ही लगा हुआ है देखिए मेरे चीकू के प्लांट, बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट करता है मुझे ये प्लांट क्योंकि अभी भी इसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग नहीं हुआ है। फ्लावरिंग तो हुआ था एक बार लेकिन इसमें फ्रूटिंग नहीं हो रहा है, देखना पड़ेगा इसको भी कुछ व्यवस्था करना पड़ेगा। और उसके पास मेरे प्लूमेरिया पुदीका के प्लांट जो मैं आप लोगों के साथ शेयर किया हूँ, बहुत ही लंबा हो चुका है ये अभी, ये देख सकते हैं आप। और उसके पास मेरे और 2 हिबिस्कस के वेराइटी जो देसी वेराइटी है, एक रेड और एक वाइट, और यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं मैं एक इसको यहाँ पे देखिए मैं एक रेड वेराइटी के साथ वाइट वेराइटी के क्रॉस कर रहा हूँ, अभी भी इसमें तो लीव्स नहीं निकला है, तो देखते हैं कहाँ तक मैं सक्सेसफुल होता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे मेरे एक चांदनी के प्लांट, डबल चांदनी, बहुत अच्छे से फ्लावरिंग कर रहा है, बहुत सारे देखिए कलियाँ लगा हुआ है इसमें गुच्छों में, ये देख सकते हैं आप इधर भी फ्लावरिंग हो रहा है, बहुत सारे फ्लावर्स अभी होने वाले हैं इसमें, और बर्ड्स भी आए हैं बहुत सारे। यहाँ पे कुछ तुलसी के प्लांट है और कुछ भिनका के प्लांट, और इसके सामने ही आप देख सकते हो मेरे मौसम्बी के प्लांट, 2 मौसम्बी ऑलरेडी लगा हुआ है इसमें, और ये देखिए साइज़ भी इसका इंक्रीज़ हो रहा है और ये शायद अभी पकने भी वाला है, देख सकते हैं आप येलो हो रहा है ये धीरे धीरे। दोस्तों उसके बाद मेरे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पिंक चांदनी, बहुत ही सुंदर देखिए इसका कलर है, पिंक वेराइटी है ये चांदनी का ही, और इसमें बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होता है, ये देखिए बहुत सारे बर्ड्स अभी लगा हुआ है।
और दोस्तों उसके बगल में ही देखिए मेरे हिबिस्कस म्यूटाबिलिस, इसके एक फ्लावर का पिक्चर में आप लोगों के साथ शेयर किया था कम्युनिटी टैब पे। बहुत बड़ा साइज़ का देखिए फ्लावरिंग हो रहा है, देखिए कितने बड़ा है देखिए साइज़, और कलर भी बहुत ही अच्छा है। और दोस्तों उसके सामने ही मेरे दो रोंगोन, जिसे हम लोग एक्सोरा के नाम पे जानते हैं, देखिए बहुत सुंदर फ्लावरिंग हो रहा है। देखिए ये मेरे एक रेड वेराइटी है, हालांकि दो प्लांट है मेरे पे और दोनों प्लांट में ही देखिए बहुत सुंदर अभी बर्ड्स भी आ रहे हैं और फ्लावरिंग भी लग रहा है। दोस्तों कुछ दिन पहले मैं इसको थोड़ी सी हार्ड प्रूनिंग कर दिया था, देखिए मैं जहाँ से प्रूनिंग किया था उसके बाद देखिए बहुत सारे नए नए से स्टेम आए हैं और स्टेम में बर्ड्स भी आना चालू हो चुका है। उसके बाद मेरे इस यहाँ पे देख सकते हैं एक हर सिंगार के प्लांट, जो जिसे हम लोग शिवली के नाम से जानते हैं, उसमें भी देखिए अभी बहुत सारे नए नए से स्टेम आ रहे हैं। इसको भी मैं देखिए प्रूनिंग कर दिया था, तो ये सही वक्त होता है ये प्लांट को प्रूनिंग करने के लिए, क्योंकि इसके बाद ठंड के मौसम में इसमें फ्लावरिंग भी शुरू हो जाएगा। तो अभी भी आप अगर प्रूनिंग नहीं किए हैं तो जल्दी से कर लीजिए। और इसके बाद मेरे एक कुंदो प्लांट, जिसे ये एक जैस्मिन का ही वैरायटी है, और इसमें भी देखिए बहुत सारे फ्लावर्स अभी लगा हुआ है। और उसके बगल में यहाँ पे देखिए दो मेरे मैपल लिप्स वाले प्लांट, ये शायद आप लोग जानते होंगे, एक हिबिस्कस का ही एक वैरायटी है, हालांकि इसमें अभी फ़िलहाल फ्लावरिंग तो नहीं हो रहा है, लेकिन ये प्लांट इसका जो लीव्स है वो भी देखने में बहुत खूबसूरत है। और यहाँ पे मेरे कुछ रोज़ के प्लांट, जब देख सकते हो बहुत सारे फ्लावरिंग हो रहे हैं अभी इसमें, फ्लावर तो अभी कुछ मुरझा भी चुका है। एक येलो वैरायटी भी है और एक यहाँ पे एक ऑरेंज वैरायटी भी है, देखिए सब में नए नए से स्टेम आ रहे हैं और देखिए इसमें कलियाँ भी लग रहा है, ये देख सकते हैं आप। यहाँ पर देखिए और भी एक नया स्टेम आया है, ये येलो वैरायटी है, इसमें भी देखिए देखिए फ्लावरिंग हुआ था और यहाँ पर भी एक और एक फिर से बर्ड्स आ रहे हैं। दोस्तों मेरे जो येलो वैरायटी है ये इसका तो हालत थोड़ा ख़राब था, मतलब इसमें थोड़ा फंगल इन्फेक्शन हो गया था, लेकिन अभी ये अच्छे से ग्रोथ इसका चल रहा है। और यहाँ पे मेरे एक ग्रेप्स प्लांट, जिसे अंगूर कहते हैं, वो भी देखिए बहुत अच्छे से अभी इसका ग्रोथ चल रहा है। ये मेरे दो साल पुराना प्लांट है, पिछले साल इसमें एक ही अंगूर लगा था, लेकिन इस साल अभी भी इसमें कुछ अंगूर अभी तक लगा नहीं है, देखते हैं इसका रिज़ल्ट क्या मिलता है इस साल। और यहाँ पे मेरे एक बहुत ही जाइंट रोज़ प्लांट है, बहुत ही लंबा हो चुका है, बहुत सारे फ्लावरिंग भी हुआ था इसमें, ये देख सकते हैं आप। और इस पर देखिए नए ऐसे स्टेम निकलना शुरू हो चुका है। और दोस्तों इसके पीछे ही देखिए मेरे एक करेला के प्लांट, जो करेला लटक रहा है देख सकते हैं आप, वहाँ पर दूर पर भी देखिए और एक करेला लटक रहा है, ये प्लांट भी बहुत अच्छे से अभी ग्रो कर रहा है। बहुत सारे करेला मैं हार्वेस्ट कर चुका हूँ और अभी भी करेला लग रहा है। दोस्तों एक ही करेला का प्लांट है यहाँ पर, और यहाँ दूर पे देखिए एक लौकी के प्लांट, जिसको मैं सीड से ग्रो किया था, ये भी देखिए अभी अच्छे से इसका ग्रोथ चालू हो चुका है। दोस्तों ये मेरा जो बेड बना हुआ है छत के ऊपर, इसके अंदर ही मैं इसको लगाया था, पिछले साल भी मैं लगाया था, तब भी इसका रिज़ल्ट मुझे अच्छा मिला था, कुछ 8-10 लौकी मुझे मिला था, इस साल भी मैं इसमें लगाया हूँ, देखिए देखते हैं इसका रिज़ल्ट इस साल कैसा होता है। और यहाँ पर मेरे एक बोगनविलिया के प्लांट, इसको मुझे थोड़ी सी केयर करना पड़ेगा अभी, और यहाँ पे कुछ कटिंग्स भी लगा हुआ है बोगनविलिया का, जिसमें देखिए फ्लावरिंग भी हो रहा है अभी, ये देखिए इसको इसके अंदर देखिए तीन बोगनविलिया प्लांट एक साल लगा हुआ है, तीन बोगनविलिया का कटिंग लगाया था और तीनों कटिंग ही मेरा सक्सेसफुली लग चुका है। दोस्तों इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, अगर आप अभी तक नहीं देखे तो देख सकते हैं आप। और यहाँ पर मेरे मैक्सिकन पिटोनिया, देखिए कितने सारे फ्लावरिंग हो रहे हैं, देखिए बहुत सारे फ्लावर्स लगा हुआ है, ये देख सकते हैं आप। और इसके पीछे मेरे एक नींबू प्लांट, जिसे हम लोग कागजी के नाम से जानते हैं, कागजी वैरायटी है, बहुत सारी नींबू लगा हुआ है इसमें, ये देख सकते हैं आप बहुत सारे नींबू है इसमें। और यहाँ पर देखिए और एक मेरे मिर्च के प्लांट, जिसमें देखिए बहुत सारे मिर्च बन रहे हैं, देखिए। और यहाँ पर मेरे मैंडीविला के फ्लावरिंग प्लांट, देखिए बहुत सारे बर्ड्स है इसमें, इसके ऊपर भी मैं कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया था। और यहाँ पे मेरे एक मून फ्लावर, जिसे कहते हैं, एक छोटे से पॉट पे मैं लगाया हूँ, प्लास्टिक के 6 इंच पॉट के लगाया हूँ, अभी भी इसमें तो फ्लावरिंग नहीं हो रहा है, शायद फ्लावर होने वाला है, देख सकते हैं आप बर्ड्स आ रहे हैं, तो देखते हैं इसका जैसे ही फ्लावरिंग होता है मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। दोस्तों उसके पास ही मेरे एक देखिए जूही प्लांट,
बहुत ही बड़ा हो चुका है अभी। इसको मैं कुछ दिन पहले ही प्रूनिंग किया था और फिर भी देखिए अभी बहुत बड़ा हो गया है प्लांट। एक प्लास्टिक के बाल्टी के अंदर लगा हुआ है और ग्रोथ बहुत ही अच्छा है।